दोस्तों, रूस के साथ क्रूड ऑयल के व्यापार में एक बार फिर से भारत को बड़ा मुनाफा होना शुरू हो चुका है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि सितंबर महीने में भारत को रशियन क्रूड ऑयल की खरीद पर एक बार फिर से बड़ा डिस्काउंट मिला। अगस्त महीने में हमने प्रति बैरल क्रूड ऑयल खरीदने के लिए $86 की कीमत का भुगतान किया था, जबकि सितंबर में हमें लाखों टन क्रूड ऑयल खरीदने के लिए सिर्फ $81.70 प्रति बैरल ही देना पड़ा, जो पिछली बार के मुकाबले काफी अच्छा खासा डिस्काउंट है। इस अपडेट का महत्व आप ऐसे समझ सकते हैं कि इजराइल और हमास के बीच हो रहे युद्ध की वजह से सभी खाड़ी देश चाहते हैं कि क्रूड ऑयल की कीमतों में बढ़ोतरी किया जाए, जिससे सभी देशों से ज्यादा प्रॉफिट कमाया जा सके। इसके लिए सऊदी से लेकर यूएई प्रोडक्शन में कमी करने को तैयार हैं, लेकिन क्योंकि भारत रूस से काफी बड़ी मात्रा में क्रूड ऑयल खरीदता है, इसीलिए हमें आज भी $80 से लेकर $85 के बीच में क्रूड ऑयल की सप्लाई मिल रही है, जिससे देश में इन्फ्लेशन काफी हद तक काबू में है। अगर तेल के दाम $5 से $10 प्रति बैरल भी बढ़ते हैं तो इससे देश के अंदर महंगाई एक अलग स्तर पर पहुंच जाएगी। हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे रूस के साथ मजबूत ऊर्जा संबंध का फायदा आज भारत को मिल रहा है। हम अपनी जरूरत का 40% तक क्रूड ऑयल रूस से ही निर्यात करते हैं। इसके अलावा कतर के साथ हुए विवाद के बाद नेचुरल गैस की सप्लाई के लिए भी रूस को एक काफी अच्छा अल्टरनेटिव के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच में पेमेंट की चुनौती से इनकार नहीं किया जा सकता, जिसे हल करने के लिए भारत और रूस के बीच में काफी सारे विकल्प सामने आए हैं। दरअसल रूस को पेमेंट करने में चुनौती तो हमें शुरू से ही आ रही है। जब स्विफ्ट को लेकर रूस के ऊपर प्रतिबंध लगाए गए, उसके बाद से ही अमेरिकी डॉलर का इस्तेमाल बंद हो गया। ऐसे में भारत के लिए काफी बड़ी परेशानी खड़ी हुई कि हम रूस को ना तो डॉलर में पेमेंट कर सकते हैं और ना ही यूरो में। रूसी सप्लायर की पेमेंट के लिए भारत ने भारतीय रुपए के साथ साथ संयुक्त अरब अमीरात के दिरहम जैसी करेंसी का इस्तेमाल करना शुरू किया, जिसमें भारत ने अपने रुपए को ज्यादा प्रमोट किया। पर चुनौती ये थी कि रूस भारत को जितना निर्यात करता है, भारत उसके मुकाबले रूस को काफी कम निर्यात करता है। ऐसे में रूस बार बार भारत के साथ द्विपक्षीय बातचीत में इस मुद्दे को उठा रहा था कि उनके पास भारतीय रुपए का एक काफी बड़ा भंडार जमा हो गया है, जिसे निकालना जरूरी है। और अब इस मामले को लेकर भारत ने रूस के साथ बातचीत करते हुए काफी बड़े फैसले लिए हैं। भारत रूस को काफी सारे विकल्प ऑफर कर चुका है, चाहे गवर्नमेंट की तरफ से जारी की गई सिक्योरिटी में निवेश करना हो या फिर सीधा भारतीय रुपए में हमारे सभी निर्यात के लिए पेमेंट करने की बात कहना। भारत रूस को ऑप्शन दे चुका है, जिससे उनके पास मौजूद भारतीय रुपए का भंडार तेजी से यूटिलाइज हो सकता है। इसके अलावा भारत रूस के पास मौजूद रुपए के भंडार का इस्तेमाल करने के लिए कई व्यापारिक समझौते को भी पिच कर रहा है, जिससे इस तरह की चुनौती आगे ना आए, क्योंकि अगर भारतीय रुपए और रूसी रूबल में ट्रेड करने के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार नहीं हुआ तो इससे दोनों देशों के निर्यात और आयात पर सीधा खतरा होगा, जो दोनों ही देश मौजूदा समीकरणों में ठीक नहीं मानते। इसी वजह से रूस भारत के साथ सक्रियता से बातचीत करके इस मामले का हल निकालने को उत्सुक है, और अगर एक्सपर्ट की माने तो इस तरह की चुनौती को आगे होने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका होगा व्यापार को बढ़ाना, जिससे दोनों देशों के बीच में क्रूड ऑयल के अलावा भारत से कंज्यूमर आइटम और आईटी सर्विसेज की सप्लाई रूस को की जाए, जिसके लिए दोनों देश भारत के चेन्नई से रूस के व्लादिवोस्तोक तक बनाए जाने वाले एक बड़े आर्थिक गलियारे के ऊपर बातचीत कर रहे थे, और अब पहली बार इसका ट्रायल भी पूरा हो चुका है, जिससे दोनों देशों के बीच में निवेश और बिजनेस को एक नए चरम पर ले जाने की उम्मीद मजबूत हो गई। दरअसल दोस्तों, भारत के चेन्नई से एक जहाज रूस के व्लादिवोस्तोक बंदरगाह तक गया, और यहां तक पहुंचने में जिस नए रास्ते का इस्तेमाल किया गया, उससे भारत से रशिया तक पहुंचने में मात्र 17 दिन का समय लगा। बड़ी बात तो यह है कि अगर स्विस कनाल का इस्तेमाल करते हुए रूस के सेंट पीटर्सबर्ग बंदरगाह का कोई आम कार्गो जहाज आता है तो इस रूट को पूरा करने में 35 से लेकर 40 दिन का समय लगता, जिसका मतलब यह है कि 17 दिन में ही आप भारत से कोई भी कार्गो जहाज आसानी से रूस तक पहुंच सकता है। इतना ही नहीं, एक फ्यूल टैंकर और दूसरे एडवांस जहाज तो भारत से लेकर रूस के व्लादिवोस्तोक बंदरगाह तक 5600 नॉटिकल मील की इस दूरी को 10 से 15 दिन के अंदर ही पूरा कर सकते हैं, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत से रशिया तक बिजनेस की पहुंच कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी और हम ट्रेड वॉल्यूम को किस हद तक बढ़ा सकते हैं। यही वजह है कि दोनों देश इसराइल को ऐतिहासिक मान रहे हैं, जिसे हम आगे जाकर एक मजबूत आर्थिक गलियारे के तौर पर विकसित करेंगे। बता दें कि चेन्नई से व्लादिवोस्तोक का ये नया व्यापार मार्ग बिल्कुल नया नहीं है, बल्कि असल में सोवियत संघ के टाइम पर ये काफी प्रचलित था, और अब एक बार फिर से इसको शुरू किया जा रहा है, जो भारत और रशिया दोनों के लिए काफी अच्छी बात है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। भारत और रशिया की इस दोस्ती के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर्स से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।